हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2019 चमड़ी जंपसंस के लिए रिवेल्यूशन रिजल्ट का आज फर्स्ट अपडेट कर दिया है। सो जो स्टूडेंट भी रिवेल्यूशन के लिए या पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किए थे वो लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोग को रिवेल्यूशन की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड या रिवेल्यूशन रिजल्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज आप लोग देख लो रिवेल्यूशन रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आया है। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि इस वीक में आप लोग का रिवेल्यूशन का फर्स्ट अपडेट आएगा, तो अभी आ गया। 23 सितंबर को अपडेट शो हो रहा है। इससे पहले जो अपडेट हुआ था वो बोगस अपडेट था, वो कोई भी अपडेट नहीं था। एक्चुअली में ये रिवेल्यूशन का पहला अपडेट था, जो पहले आप लोग को मार्च 2019 में शो हो रहा था या 28 अगस्त तक शो हो रहा था वो कोई अपडेट नहीं था। ये जो अपडेट हुआ है ये एक्चुअली में फर्स्ट अपडेट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग भी रिजल्ट चेक कर लो अपना जस्ट 9 डिजिट इनरोलमेंट नंबर पुट करके। टर्मिनल एग्जामिनेशन रिजल्ट का अभी 20 सितंबर तक ही अपडेट शो हो रहा है, लेकिन आज शाम तक एक अपडेट हो जाएगा जिसमें 23 सितंबर तक आप लोग का अपडेट शो होने रहेगा। तो आप लोग रिजल्ट चेक कर लेना। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि रिवेल्यूशन रिजल्ट सबका भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और साथ ही साथ वो सभी स्टूडेंट जिनका अभी भी पेपर सॉरी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं आया है उनका भी रिवेल्यूशन के लिए प्रोसेस में ही नहीं गया है। तो आप लोग मेक श्योर कि आपका अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था यानी कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवेल्यूशन, तो आप लोग पहले ये देख लो कि आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आया है या नहीं आया है। और अगर नहीं आया है तो आपको इस ईमेल आईडी पे अर्जेंटली मेल करना होगा exam3online@igno.ac.in, या ये दोनों नंबर पे आप लोगों को कॉल करना होगा। सुबह में कॉल करना 10 बजे या 11 बजे तक, तब वो लोग फोन उठा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली डे टाइम में करोगे तो नहीं उठाते। लेकिन इन दोनों नंबर पे आपको कॉल करके बोलना कि आपने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी भी आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं आया है। क्योंकि याद रखिएगा बिना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट रिलीज किए रिवेल्यूशन का प्रोसेस में पेपर को नहीं भेजा जाता है। तो पहले आपका फोटोकॉपी रिलीज किया जाता है, उसके बाद से रिवेल्यूशन का प्रोसेस में भेजा जाता है। तो अगर आपका फोटोकॉपी नहीं आएगा तो रिवेल्यूशन में जाएगा नहीं, उसमें लेट लगेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग पहले फोटोकॉपी अपना के लिए कंप्लेन कर लो। तो नॉर्मली इसमें काफी टाइम लगता है, आप लोग को वेट करने की जरूरत नहीं है। 60 डेज से लेकर कभी कभी 90 डेज भी लग जाता है रिवेल्यूशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने होने में, तो आप लोग को वेट करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से रिवेल्यूशन का भी अपडेट आएगा, जैसे टर्मिनल एग्जामिनेशन का अपडेट आता है, और उसमें आप लोग को चेक करते रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट रिवेल्यूशन के लिए अप्लाई किए थे तो वो लोग सिर्फ रिवेल्यूशन का रिजल्ट आएगा, उसमें मार्क्स में भरेगा, ये चीज के लिए वेट ना करें। आप लोग उसका उस पेपर के लिए जिस पेपर में आपने रिवेल्यूशन के लिए अप्लाई किया है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप कर देना। अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन से पहले रिवेल्यूशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है, उसमें अगर आप पास हो जा रहे हो तो आप एग्जामिनेशन मत देना। लेकिन अगर मान लो बाई चांस अगर आप पास नहीं हो रहे हो तो फिर आप लोग के पास ये भी मौका चला जाएगा अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो। ठीक है, इसलिए आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दो, रिवेल्यूशन का रिजल्ट का अपडेट इसी तरीके से आएगा, आप लोग चेक करते रहना पड़ेगा। देखिए कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इस अपडेट में किसी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जितना भी स्टूडेंट्स ने 18 अगस्त तक अपना रिवेल्यूशन के लिए अप्लाई किया था और उनका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अगर आ गया था, उन्हीं का रिवेल्यूशन का प्रोसेस में गया है और उन्हीं का रिवेल्यूशन का रिजल्ट का अपडेट आया है। उसके अलावा और किसी स्टूडेंट्स का नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट जैसे जैसे आएगा उस तरीके से आप लोग का रिवेल्यूशन का भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था रिवेल्यूशन के रिजल्ट के बारे में कि उसका फर्स्ट अपडेट आ गया है। साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो पहले आप लोग को ये ईमेल करना होगा, उसके बाद से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जब आ जाएगा उसके बाद ही आप लोग का रीचेकिंग का प्रोसेस में भेजा जाएगा, उससे पहले नहीं भेजा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि रिवेल्यूशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वो देख ले। आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मुझे डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।